जयमल के बनाए हुए झूठे वचन अब सच तो होने लगे। राजमाता ने कटक नरेश को वचन तो दे दिया। कन्नौज की राजमाता आपको वचन देती है, 2 दिन के भीतर ही ये विवाह होगा। उनके दिए वचन से बेटे के कलेजे पर जो घाव हुआ वो माँ के आंसुओं से धुल भी गया। पर ठाकुर जयमल हैरान था कि कान्हा के विवाह पर यशोदा माँ क्यों नहीं आई। उन्होंने एक व्रत रखा है कि जब तक हमें संतान नहीं होती वो राजमहल से बाहर नहीं निकलेंगे। तुरंत अजमेर चले जाओ और इस बात का पता लगाओ कि वो कौन सी बात है जो महारानी कमलावती को यहाँ कन्नौज आने से रोक रही है। बताया नहीं कि पहली रात उन्हें किस तरह का व्यवहार करना है। हाय राम, कितनी बेशर्म हो तुम। भला मैं क्या जानू वो सब, मेरा कहाँ विवाह हुआ है अभी। अच्छा तो तुमने मुझे कैसे बताया था वो सब। वो तो सुहाग रात के दिन मैंने भैया भाभी की बातें सुनी थी। अच्छा तुम क्या कर रही थी वहाँ। वो खिड़की खुली थी उसे बंद करने गई थी। हे भगवान, न जाने क्या क्या देख लिया होगा तुमने। सदा सुहागन रहो बेटी, कैसी चांद सी बहू है मेरी, किसी की नजर ना लगे तुझे। तुम्हारी सासू माँ ने सुहाग का जोड़ा भिजवाया है आशीर्वाद के रूप में। बड़ी भाग वाली हो तुम कि ऐसी सास मिली है तुम्हें। राजमाता, राजमाता, क्या है? हमने सारे गहने और कपड़े राजकुमारी नयनतारा के पास पहुंचा दिए हैं, बस ये हार ही बचा है। लाओ इसे हमें दो, इसे हम स्वयं नयनतारा को देंगे। जो आज्ञा राजमाता। सारी सुंदरता ईश्वर ने हमारे नाम लिख दी है। साक्षात चंद्रमा उतर आया है हमारे महल में। आज मुंह दिखाई पर हम आपको जो कुछ भी दें उसकी चमक इस सुंदरता के सामने फीकी पड़ जाएगी। फिर भी ये छोटी सी भेंट हमसे स्वीकार कीजिए। आपके तन को छूकर इसे नया जीवन प्राप्त हो जाएगा। ये क्या राजमाता, आप अभी तक तैयार नहीं हुई। हमें कहाँ जाना है जयचंद। कहाँ जाना है? आप विवाह मंडप में हमारे साथ रहेंगी। नहीं बेटा, ये परंपरा के विरुद्ध है। विवाह में सुहागने बैठती है, विधवाओं का वहां पे जाना अशुभ माना जाता है। नहीं राजमाता, ये नहीं हो सकता। हम वह अपनी दुनिया बसाने की तैयारी करें और आप यहाँ कोने में बैठी आंसू बहाती रहे। हमें दूल्हे के जोड़े में देखना आपका सपना था और हम ये सपना टूटने नहीं देंगे। राजा का कर्तव्य होता है कि वो परंपराओं को निभाए। अगर वही परंपरा माँ, ये सब परंपराएं हमारी सुविधा के लिए होती हैं।
अगर यही जीवन की धारा में बाधा बनने लगे तो उन्हें तोड़ देना ही अच्छा है। आप जाइए, जाकर तैयार होइए। परंपराओं से लड़ने के लिए आपका ये बेटा है। आज यदि हमारे प्रिय महाराज जीवित होते तो विवाह की रस्में निभाने के लिए कोई समस्या ही क्यों पैदा होती। राजमाता 16 श्रृंगार करके मंडप में आती, अपने हाथों से जयचंद को तलवार थमाती। सीना छलनी हो जाता है हमारा जब हम राजमाता को श्वेत वस्त्रों में देखते हैं। काका जी, हमें तलवार राजमाता ही देंगी और विवाह की रस्में भी वही करेंगी। ये तुम क्या कह रहे हो जयचंद? नाना जी, हम आप सबका बहुत सम्मान करते हैं, परंतु अपनी मां का अपमान होते हुए भी नहीं देख सकते। महाराज, ये संवेदनशील निर्णय लेने से पहले आपको सोच विचार कर लेना चाहिए था। ये समस्या केवल राजमाता तक सीमित नहीं है, परंपरा। जो परंपरा इंसान को उसी की खुशियों से वंचित करे वो परंपरा नहीं, बंधन होता है, और हमारे राज में ऐसे बंधनों के लिए कोई स्थान नहीं है। राजमाता विवाह में सम्मिलित होंगी, विवाह की सारी रस्में भी वही निभाएंगी। ये कन्नौज नरेश जयचंद का आदेश है। मां बेटे का प्रेम ये कैसा, दी बेटे ने रिते तोड़, आज है पहने माने कंगन और चुनर भी ली है ओढ़, चला है बेटा दुल्हन लाने। चला है बेटा दुल्हन लाने, आज जुड़े सब बाराती, मान निभाए सारी रस्में, मान निभाए सारी रस्में, झूम उठे संगाती। ना जाने हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी बहन स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण ही विवाह में नहीं आ पाई ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमसे कुछ छुपा रहे? क्या आपको हम पर विश्वास है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप राणा जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। तो हम भी आपको निराश नहीं करेंगे, बस ये विश्वास बनाए रखिएगा। चलिए, इतनी सुंदर लग रही है ना नयनतारा। सुंदर क्यों नहीं लगेगी, इन सुंदर वस्त्रों में नयनतारा की सासू माँ का प्रेम जो झलकता है। हाय, देखो कैसे छुई मुई से शर्मा रही है। अरे तब क्या होगा जब महाराज छुएंगे इसे? हाँ? छुएंगी तो तब जब होश में रहेंगी। सखी जरा संभल कर घूंघट उठाना, कहीं होश न उड़ जाए उनके। अरे चलो चलो चलो, बारात आ गई, जल्दी चलो। चलो चलो
किंशुकं शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रं आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्य अनन्द्रिक्षरारिज वरसन्तु पन्था ये भी सखायो यन्ति नो वरेण्यं समर्यमासं भगवनो निनीयात् संजासपत्यं स्वयमस्तु देवा। आपको अजमेर है, इतना समय हो गया पिताजी। शीघ्र ही आऊंगा मैं, कमलावती को मेरा प्यार देना। ये क्या राणा जी, इतनी शीघ्र चले जाएंगे आप? जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। आज्ञा तो अतिथियों को मिलेगी, आपको कैसे आज्ञा दे दें हम? और अभी तो आपसे बातें भी नहीं हुई है। आप तो अपनी बहन को जानती हैं, विवाह का समाचार सुनने के लिए कितनी बेचैन होगी। जानते हैं हम, हमारी तरफ से हमारी बहन को ढेर सारा स्नेह दीजिएगा और कहिएगा कि उसके बिना हमारी खुशियां अधूरी है। ठीक है, आपकी अधूरी खुशियां उन पर उधार है। और हाँ, उन्होंने नैनतारा के लिए कुछ भिजवाया। ये क्या है? ये तो आप जाने, या आपकी लाडली बहन? जानते हैं, वो स्वयं नहीं आई, परंतु नैनतारा के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद भिजवाना नहीं भूली। परंतु हमारी लाडली बहन से कहिएगा, जब तक वो स्वयं आकर इसे नहीं पहनाएगी, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आपका ये संदेश हम उन तक पहुंचा देंगे, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। अरे, ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? दो पल ठहरिए तो सही, अभी आते हैं हम। जा रहे हैं महाराज? हाँ, क्यों नहीं, महारानी वहां अकेली है, और फिर इतना कठिन व्रत, ऐसी स्थिति में तो आपको उनसे दूर नहीं रहना चाहिए। वैसे महाराज, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अगली बार जब आप कन्नौज पधारे तो राजकुमार के साथ ही पधारे। जैसे ईश्वर की इच्छा। ये लीजिए। इसमें क्या है? हम जानते थे आप यही कहेंगे, परंतु ये आपके लिए नहीं है, ये हमारी बहन के लिए है। आप दोनों बहनों के बीच हम बिल्कुल अर्थहीन हो जाते हैं, परंतु हमारे लिए कुछ नहीं। हमारे पास तो आपके लिए हमारी एकमात्र बहन थी, वो हम आपको पहले ही सौंप चुके हैं। क्यों पिताजी? आप दोनों बहनों से तो बातों में कोई नहीं जीत सकता। आगे दीजिए पिताजी। कहो महीपत, कैसी रही तुम्हारी अजमेर यात्रा? आपका संदेह बिल्कुल ठीक था ठाकुर जी, महारानी कमलावती किसी व्रत में नहीं, वो तो 8 माह के गर्भ से है। तभी तो हम कहें कि महाराज सोमेश्वर को देखते ही हमारी बाई आंख भड़कना शुरू क्यों हो गई, और महाराज भी बड़ी आसानी से छुपा गए ये बात। उन्होंने गर्भवती महारानी को समर महल में छिपा कर रखा है, वहां उनके कुछ विश्वास पात्रों के अलावा और कोई नहीं जा सकता। अब देखो ना, है ना ये दुखदाई बात, यदि वे सच्चे मन से हमें ये बता देते कि वे एक बार फिर एक ऐसी संतान के पिता बनने जा रहे हैं जिसे हम जन्म ही नहीं लेने देंगे, तो हमें तो बड़ी प्रसन्नता ही होती ना। अब हमें तुरंत वैद्य जी से मिलना चाहिए। जी हाँ, परंतु इस बार महारानी पर भगवान पुष्कर की विशेष कृपा है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। महाराज और महारानी संतान उत्पन्न होने से पहले एक बार फिर पुष्कर जाने वाले हैं। महाराज सोमेश्वर,
आप कहीं भी जाइए, किसी से भी आशीर्वाद ले लीजिए, हम आपको आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। ठाकुर जी, आप आई 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 आई, आपको आने की क्या आवश्यकता थी? मुझे बुला लिया होता। कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता वैद्य जी, स्वास्थ्य हमारा बिगड़ा, आना भी हमें ही पड़ेगा ना। आपको क्या हुआ है? लीजिए अभी उपचार किए देते। उपचार की आवश्यकता हमें नहीं वैद्य जी, अजमेर की महारानी कमलावती को है। मैं कुछ समझा नहीं, मेरा विश्व ज्ञान चूक कैसे सकता है? चूक आपसे नहीं हुई वैद्य जी, चूक हमारे भाग्य से हुई है। महारानी कमलावती एक बार फिर 8 महीने के गर्भ से। आश्चर्य है, वो विष तो इतना घातक था कि वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकती थी। एक बार फिर ईश्वर ये चाहता है कि आप कन्नौज की और सेवा करें। 8 माह का गर्भ है, कुछ ऐसा कीजिए कि। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इस बार मैं आपको एक अचूक विष बना कर दूंगा, लेकिन 8 माह का गर्भ बहुत होता है, मां की मृत्यु भी हो सकती है। कोई बात नहीं, हम तो चाहते ही ये हैं कि हमारे लिए विष उगलने वाली वो कोख सदा के लिए उजड़ जाए, सदा के लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।